व्यास जी के तहखाने में पूजा के मामले को लेकर ये बड़ी अपडेट सामने है। आपको बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। इंतजामिया कमेटी की याचिका पर यह सुनवाई जारी है। तहखाने में पूजा पर रोक की मांग लगाई गई है। इसी खबर पर हमारे सहयोगी सैयद मोहम्मद आमिर हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। सैयद मोहम्मद आमिर जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ अपडेट फिलहाल सामने, सुनवाई शुरू हो चुकी है, किस तरफ जाता हुआ ये पूरा मामला फिलहाल नजर आ रहा है। जी अमर, बता दें आपको कि जिस तरह से व्यास जी के तहखाने में पूजा की अनुमति 31 जनवरी को दी गई थी, जिसके बाद इंतजामिया कमेटी सुप्रीम कोर्ट गई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के लिए कहा था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने अपनी आपत्ति दर्ज करी, जिसके बाद जब ये सुनवाई हो रही थी, पिछली सुनवाई पर जस्टिस रोहित रंजन जी की सिंगल बेंच में अनुवादित हो रही थी सुनवाई, जिस पर उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार से जवाब मांगा था, जिस पर आज सुनवाई तो शुरू होगी। सबसे पहले राज्य सरकार को अपना जवाब दाखिल करना होगा, जिसके बाद आज फ्रेश तरीके से दोनों पक्षों को सुना जाएगा, जिसके बाद ही कोई निर्णय आएगा। फिलहाल इस पूरे मामले पर सुनवाई शुरू हो गई है और जो जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल जी की सिंगल बेंच में ये सुनवाई हो रही है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जताई थी कि व्यास जी के तहखाने पूजा की जो अनुमति दी गई उस पर रोक लगनी चाहिए, और जिसको लेकर ये आपत्ति पर हो गई। जिसके बाद कोर्ट ने यह भी कहा था कि जब 17 जनवरी को ये फैसला जब आया था, उन्होंने आपत्ति क्यों नहीं दाखिल करी, तो उनका मुस्लिम पक्ष का ये तर्क था कि जिस तरह से 31 तारीख का फैसला आया तो अखबार को उन्हें कोर्ट आना पड़ा, क्योंकि उसकी खरीदारी नहीं हो पाई थी, उस पर भी वो अपनी आपत्ति दाखिल करेंगे। तो फिलहाल आज इस मामले पर फ्रेश तरीके से सुनवाई शुरू हो गई है। जी, तहखाने में पूजा पर रोक की मांग लगाई गई है। व्यास जी के तहखाने में पूजा के मामले को लेकर यह बड़ी खबर सामने। सैयद मोहम्मद आमिर जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। इंतजामिया कमेटी की याचिका पर यह सुनवाई जारी है। आपको बता दें, तहखाने में पूजा पर रोक की मांग इस दौरान की जा रही है।